Hello everyone, I am Jitendra Kumar. My channel name is Jitendra Kumar Economics. Basically, आज का जो question मैं solve करने जा रहा हूँ, ये term end examination में अक्सर appear होते रहता है. 2014, 16 और previous 11-12 में बहुत बार ये repeat हुआ है, carry करता है 12 marks और cover करेगा paper MEC 001/101 का माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रीड आउट द क्वेश्चंस. सपोज एन इंडस्ट्री विद एन इक्वल टू 100 आइडेंटिकल फॉर्म फेस द इनवर्स डिमांड फंक्शन कर्व पी इक्वल टू 100 बाय क्यू एंड टोटल कॉस्ट टीसी. टोटल कॉस्ट इज अ फंक्शन ऑफ क्यू वाई इक्वल टू 50 प्लस क्यू आई स्क्वायर All term is divided by 2. The Ministry of Health declared the product of industries to be unhealthy. Consequently, its demand dropped to P equal to 64 by cube. Solve for the short run, long run, equilibrium, price quantity combination of the industries. कहने का मतलब है एक industries है जिसमें 100 form है. ठीक है, कारखाना कह सकते हो. उसका inverse demand function है. जब inverse demand function किसको कहते हैं? जब डिमांड फंक्शन दिया रहेगा फंक्शन ऑफ क्यू या सप्लाई फंक्शन इनवर्स सप्लाई फंक्शन क्या क्यू में और प्राइस में दिया रहेगा तो डायरेक्टली हो जाती है. तो ये प्रोडक्ट का ये इनिशियल स्टेज है. लेकिन आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड फंक्शन ये दिया गया है जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको इसके बारे में कुछ नहीं किया. जब इसको डिक्लेयर किया कि प्रोडक्ट टू बी अनहेल्दी तो जिससे डिमांड डिक्रीज हो गया, कम हो गया, घटकर इतना हो गया. तो इसके बाद हमको निकालना है शॉर्ट रन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ इंडस्ट्रीज. तो क्वेश्चन ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये साधारण है लेकिन आपको इसका सलूशन आपके दिमाग में आया होगा. फर्स्ट टाइम में मेरे दिमाग में भी अपीयर आएगा, ये किसी भी आदमी के दिमाग में अपीयर आएगा. प्राइस दिया हुआ क्यू से मल्टीप्लाई कर दो और एम आर निकाल लो, टीएमसी निकाल लो और दोनों को इक्वेट करके वैल्यू निकाल लो क्यू. लेकिन ये इट इज नॉट पॉसिबल इन दिस क्वेश्चन बिकॉज आप अगर इसको टी क्यू करोगे तो क्यू क्यू कट जाएगा 100 और एम आर 0 होगा जो ऑलरेडी गलत हो जाएगी. तो इसमें आपको ये टीसी से पहला क्या काम करना है, सप्लाई फंक्शन निकालना है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं हाउ टू गेट सप्लाई फंक्शन फ्रॉम द गिवन कॉस्ट फंक्शन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा देंगे. तो चलते हैं, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. तो कुछ वाइटल इंफॉर्मेशन है वो रखना है. ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना ये डिमांड फंक्शन से नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इसका ये कॉस्ट तो वही रहेगा लेकिन डिमांड बदल गया. जब से अनहेल्दी किया तो उस कंडीशन में हमको निकालना है. तो डिमांड फंक्शन हमारा क्या हुआ, दोनों लिख लेते हैं. पी इक्वल टू अब हमारा आ गया 6400 बाय क्यू एंड टीसी इक्वल टू 50 प्लस क्यू आई स्क्वायर बाय 2. अब ये दो इंफॉर्मेशन से हम इसका सोल्यूशन करेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइस कॉम्बिनेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. तो सबसे पहले हमारा नंबर ऑफ फॉर्म एन इक्वल टू कितना है, 100 है. इसको हमेशा याद रखना है. ठीक है, सबका आइडेंटिकल है मतलब प्रत्येक फॉर्म का जो कॉस्ट होगा सबका एक समान होगा. ठीक है, फेस करता है वो. तो टीसी आपका दिया गया है, टीसी इक्वल टू दिया गया है 50 प्लस क्यू आई स्क्वायर बाय 2. देखिए क्यू आई मतलब हो रहा है क्यू आई वेयर आई इक्वल टू 1, 2, 3, ...100 इंडस्ट्रीज. इस पर हम बाद में आएंगे, पहले एमसी निकालना है इसको. तो एमसी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इसकी डेरिवेटिव लेनी पड़ती है. तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म में 0 हो जाएगा प्लस इसका क्या होगा 2 क्यूब आई हो जाएगा बाय 2 होगा. ठीक है, तो MC इक्वल टू क्या आ गया 2 क्यूब आई बाय 2 यानी 2 कैंसिल. फाइनली हम MC बराबर क्या प्राप्त किए, क्यूब आई. अब यहां पर हमको इन ऑर्डर टू गेट सप्लाई फंक्शन
इन दिस क्वेश्चन तो हम लोग क्या करते हैं, लेटिंग करते हैं, लेट करते हैं, सपोजिंग करते हैं, क्या करते हैं, एमसी इक्वल टू पी, ठीक है। ये एक सिंगल इंडस्ट्री सिंगल फॉर्म के लिए एमसी एमसी एमपी नॉट एमसी इक्वल टू पी। तो आप यहां देखो एमसी का जो वैल्यू क्या आया है, क्यूब आई आया है, ठीक है, क्यूब आई, ये सप्लाई फंक्शन को डिनोट कर दो पी। आप देखो नंबर ऑफ इसमें कितना है इंडस्ट्रीज, सॉरी नंबर ऑफ फॉर्म कितना है, 100 है, तो 100 से गुणा कर देंगे पी को, तो क्यूब आई इक्वल टू पी इंटू 100, तो ये इंडस्ट्रीज का निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं क्यूब आई इक्वल टू 100 पी, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज का निकल रहा है। एक यहां पर मैंने एक फर्म का सप्लाई फंक्शन निकाला, अब इंडस्ट्रीज को 100 वो है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां देखो क्यूब आई, तो आई बराबर 1 2 है, तो क्यूब इक्वल टू क्या होगा भाई, क्यूब 1 प्लस क्यूब 2 प्लस क्यूब 3 प्लस डॉट 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 100 तक ये जाएगा। तो ये क्यू आई बराबर हम ऑलरेडी इतना लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली हम यहां लिख सकते हैं क्यूब इक्वल टू 100 पी। तो ये क्यूब जो निकाले ये हमारा क्या है, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेप है डिमांड फंक्शन की ओर मूव करते हैं। तो पहला जो डिमांड फंक्शन है उससे हमको नहीं, जब इनिशियल डिमांड पूछता हमारा क्वेश्चन तब उस पर हम कार्य करते हैं, तो हमें वो तो पूछा नहीं है, तो जो पूछा गया है वही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो P इक्वल टू, यहां ध्यान देने की जरूरत है, P इक्वल टू दिया गया 64 बाय क्यू। अब यहां देखिए यहां क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन, इसको हमको P, जब हमारा सप्लाई फंक्शन निकला है विच इज द फंक्शन ऑफ P, इसको कन्वर्ट करने का P कर, क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इक्वल टू 6400। तो क्यूब इक्वल टू 6400 बाय पी। अब यहां देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर इंडस्ट्रीज, इक्विलिब्रियम कंडीशंस, 12 नंबर का ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कंडीशन फॉर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज लिख दीजिएगा फॉर इंडस्ट्रीज। तो कोई भी जानता है डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड इक्वल टू सप्लाई, डिमांड फंक्शन इक्वल टू सप्लाई फंक्शन, ठीक है। तो मैंने दोनों को निकाल लिया है, तो डिमांड हमारा क्या आ गया 6400 बाय टी, और सप्लाई हमारा क्या 100 पी। अब यहां देन सॉल्व फॉर पी, गेट द वैल्यू ऑफ पी, तो जब पी का वैल्यू हम निकालते हैं ये आया हमारा 6400 बाय पी इक्वल टू 100 पी। अब यहां है इसको सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 6400 बाय पी, ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस 100 पी इक्वल टू 0, एलसीएम लेंगे तो पी होगा तो यहां हो जाएगा 64 माइनस 100 पी स्क्वायर, पी पी गुना होगा पी स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन कर दोगे 6400 माइनस सॉरी 6400 माइनस 100 पी स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू 0, किसी भी संख्या को पी 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 होगा, तो फिर क्या आया 6400 इक्वल टू 100 पी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं 100 पी स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस होगा, यहाँ 0 हो गया, तो एक स्टेप आ ये दोनों होकर 0 ही होगा, तो ये टर्म उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 100 पी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 6400, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 6400 बाय 100, तो 0 0 कैंसिल, तो पी स्क्वायर बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, पी स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त हुआ 64, ठीक है। तो देयरफॉर पी इक्वल टू अंडर रूट 64, इसका दो वैल्यू होगा प्लस और माइनस में, लेकिन चूंकि प्राइस है वो माइनस में नहीं हो सकता, आपको प्लस वैल्यू को कंसीडर करना, तो 8 आया, तो प्राइस आया शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैंने बताया हूं, और ये 8 आया, ठीक है 8 आया। तो अब हम क्वांटिटी भी तो आराम से निकाल सकते हैं, तो वहां पर डिमांड फंक्शन में अगर वैल्यू बैठा दे तो क्वांटिटी हम आराम से निकाल सकते हैं,
या सप्लाई फंक्शन भी हम लोगों ने निकाला क्यू बराबर 100 टी, ठीक है। तो आप वहां पर देखो पी इक्वल टू क्या है 6400 बाई क्यूब, क्यूब का वैल्यू निकालना है आप यहां, ऑलरेडी आप यहां कर दो क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो क्या होगा पी क्यूब होगा इक्वल टू 6400। अभी ध्यान दीजिए कैसे हम क्यू का वैल्यू निकालेंगे, तो क्यूब इक्वल टू लिख सकते हैं 6400 बाई पी। तो P का वैल्यू हम लोगों ने भी तुरंत निकाला, जस्ट वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ P इक्वल टू 8, ठीक है। तो 64 तो 800 क्वांटिटी, ठीक है, 800 हमारा क्वांटिटी निकला। तो प्राइस हमारा निकला 8 और क्वांटिटी निकला इंडस्ट्रीज का शॉर्ट रन में 800। अब यहां ध्यान देने के लॉन्ग रन भी इक्विलिब्रियम पूछ रहा है, तो लॉन्ग रन भी सेम होगा, इसलिए सेम होगा बताते हैं उसका कारण, क्योंकि लॉन्ग इन द लॉन्ग रन हम लोग इट इज एज्यूम द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री टू बी जीरो। अगर टीसी को हम यहाँ जीरो, ये 50 है वो तो जीरो हो जाएगा, तो बचा क्या हमारा क्यूब आई स्क्वायर इक्वल टू 2। अब इसका एमसी निकालोगे तो क्या होगा 2 क्यूब आई बाई 2 कैंसिल, अब छोड़ दो एमसी इक्वल टू क्यूब आई, ठीक है। तो आई बराबर 1, 2, 3 तो हम लिख सकते हैं 100 तक, तो एमसी बराबर क्यू भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में इंडस्ट्रीज का निकालेंगे। अब पार्ट के चलिए क्यूब आई ये रहने दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम प्राइस से जब इसको क्या करते हैं एमसी को लेट करते हैं सप्लाई फंक्शन निकालने के लिए पी के बराबर, तो ठीक है, तो वो हम भी करके देखते हैं, तो MC का वैल्यू क्यूब आ गया, ठीक है। अब इंडस्ट्रीज में कितना है 100 पी है, तो बात तो वही आ गया QI बराबर हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 Q1 प्लस Q2 इक्वल टू क्यूब, तो क्यूब बराबर हमारा 100 पी आया, ठीक है। डिमांड फंक्शन तो हमारा इंडस्ट्रीज का दिया गया ऑलरेडी, तो सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा कि बी इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इज सेम, या इन द लॉन्ग रन वी गेट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इज ए सेम एज वी हैव ए गॉट इन द शॉर्ट रन, ठीक है। तो दैट मीन्स पी इक्वल टू प्राइस इक्वल टू 8 एंड क्वांटिटी इक्वल टू 100, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैरी 12 मार्क। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड, जय हिंद।